उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन रैली को संबोधित किया और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, पीएम ने यहां नोटबंदी का मुद्दा उठाते हुए एक बार फिर लोगों का धन्यवाद किया। पीएम ने कहा कि आप लोग मेरे आला का मान है और कोई नहीं। पीएम ने पूछा कि गरीबों को हक दिलाना गुनाह है क्या? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला गुनहगार है क्या? विपक्ष को आड़े हाथ देते हुए मोदी ने कहा कि मुझे मेरे देश के ही कुछ लोग गुनहगार बना रहे हैं। मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानून की मदद लेनी पड़ेगी और भ्रष्टाचारियों को किनारे लगाना पड़ेगा। इस दौरान मोदी ने नोटबंदी के बाद जनधन में जमा हो रहे पैसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीब के खाते में जो पैसा डाला जा रहा है वह गरीब का ही हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जिन्होंने गरीब के खाते में गैर कानूनी तौर से रुपया डाला है वो जेल में जाए और रुपया गरीब के घर में। पीएम मोदी ने कहा कि अगर इस देश के गरीब को ताकत दे दी जाए तो गरीबी दूर हो जाएगी। कोने कोने से लोगों के यहाँ नोट निकलते थे, अब वे गरीबों के पैर पकड़ते हैं कि मेरा कुछ रुपया अपने खाते में डाल लो। बेईमान लोग गरीबों के घर पर कतार लगाए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मेरा देश परिवर्तन को स्वीकार करने वाला देश है। अब हमारे नौजवान मोबाइल बैंक से खर्च चलाना सीख रहे हैं। देश में 40 करोड़ स्मार्टफोन है और इससे ईमानदारी आएगी। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच मुरादाबाद में पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि नोटबंदी से देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा और भ्रष्टाचार खत्म होने से ही गरीबी दूर होगी और गरीबी दूर होने से विकास होगा। तो ये तमाम बातें आज पीएम मोदी ने मुरादाबाद में कही। देश और दुनिया से जुड़ी और तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टीवी लाइव।